आज हमारे पास गेस्ट बहुत ख़ास हैं, बहुत अहम गेस्ट हैं मेरे शो में। आजकल पहले कुछ टाइम पहले आप चले जाएं तो फेसबुक और बस यही एक दो चीज़ें होती, बट अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है और साथ ही हम पैकेज की तरफ भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू के बाद फिर हम जाएंगे पैकेज की तरफ, कि अब लोगों के लिए बड़ा आसानी हो गया कि बिज़नेस के नज़रिए से देखा जाए कि पहले आपको सोशल वर्क पे थोड़ा काम करना पड़ता था, सोशल मीडिया पे जाना पड़ता, इसको बुलाओ यार, इससे बात करो, ये वाली चीज़ कैसे मैनेज होगी जब आपको बिज़नेस रन करने जा रहे थे। अब बहुत चीज़ें आसान हो चुकी हैं जब से ब्लॉगर्स आए हैं, और ब्लॉगर्स जो हैं वो हर जगह पे आपको आसानी से, कुछ लोगों ने हायर कर लिए थे ब्लॉगर्स जो आपके बिज़नेस को रन कर रहे थे, लेकिन बातें मज़ीद होती रहेंगी। मैं चाहूँगी कि पहले हम पैकेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगी, फिर मज़ीद आपसे बात करती हूँ। चलिए पहले पैकेज देखते हैं। फूड ब्लॉगर हैं, इवेंट्स पे आप इस्लामाबाद के, आप कराची, लाहौर, जहाँ भी देखें तो आपको हर जगह राहिला नज़र आ रही हूँ, क्योंकि वो सही मानों में समझती हैं इस फील्ड को कि कैसे वो आगे लेकर जाएं। बहुत मुश्किल हो चुका था कुछ टाइम पहले कि लोगों को आइडिया नहीं था कि हम कैसे अपनी चीज़ों को सबके सामने लेकर आएँ, बट जब से ऐसे ब्लॉगर्स, जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स आ गए, तो बहुत चीज़ें आसान हो चुकी हैं। आज मेरे शो में है राहिला खान। अस्सलाम वालेकुम राहिला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच राहिला, आप शो में आए हैं और पता चल गया होगा कि राहिला आ गए तो लोग बैठ गए होंगे, ओके आज ढेर सारी बातें और ढेर सारे आइडियाज लोगों को जाएंगे। बिल्कुल, तो हम उस पर भी मज़ीद गुफ्तगु करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज जो मेरे गेस्ट हैं वो भी बहुत ख़ास हैं, और जैसे मेरा नाम उठान और जिन खास लड़कियाँ जितनी फैंस हैं वो बैठ जाएंगी, कहेंगे ओके, और आप लोगों के साथ साथ मैं कॉल्स भी लाजमी लूँगी। और मुंडा लॉर्दा नो नाम ही मैंने उठाया और सबने कहना है ओके जी मुंडा लॉर्दा जी, बट वो खुद लाहौर के नहीं, लेकिन जो गाना इस वक्त उनका हाइप कर रहे हैं वो मुंडा लॉर्दा, इसे मुंडा ही लॉर्दा क्यों? इतने सारे पाकिस्तान के इलाके, तो उनसे मैं ज़रूर पूछूंगी कि लॉर्दा क्यों? इस्लामाबाद का भी है, पिंडी है, कराची है, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, मुंडा लॉर्दा ही क्यों किया? तो हम इस पर भी करेंगे। और वेरी स्टाइलिश, वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी है, वेरी हैंडसम है, और अल्लाह ने आवाज़ इतनी प्यारी दी है, शक्ल इतनी प्यारी दी है, फैशन को कितना, आज दोनों गेस्ट मेरे बड़े मज़ेदार से हैं जो दोनों फैशन को समझते हैं। तो आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं मुझे अरबाज़ खान, अस्सलाम वालेकुम अरबाज़। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अरबाज़। Thank you for calling me to the show. Love the intro as well. Love thank it. you so much. Thank you so much. मैंने इस वजह से कहा था मुंडा लॉर्दा। तो वो लोगों ने कहा मुंडा लॉर्दा जी अरबाज़ का ही गाना है। मुंडा लॉर्दा जी, it's mashallah going viral, still trending on YouTube. हाँ हाँ। और चार दिनों में organic 5 लाख views इसके almost हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। Love the response. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र। और ये मुंडा लॉर्दा भी क्यों? मुंडा लॉर्दा ही क्यों? हाँ। इसका एक best answer ये है कि me being अरबाज़ खान, I'm not limited to one city. I am Pakistan. मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे से आप मुंडा लॉर्दा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं पिंडी का भी कर सकता हूँ, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, कहीं भी जा सकते हैं, एनी सिटी, बिकॉज मैं अपने आप को लिमिट नहीं किया होगा यार, मैं इस शहर पे हूँ इसी पे करूँगा। आई एम पाकिस्तान, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बहुत प्यारी बात की है। तो हम सारे पाकिस्तान का कल्चर इतना रिच है, म्यूजिक इतना रिच है, आप जिसको उठा लें आपको बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होने वाला। तो हम इस पर भी मज़ीद करेंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, माशाल्लाह आप फैशन ब्लॉगर, और आप खुद एक आइकॉन है फैशन की, तो फैशन को समझती हैं, स्टार्ट कैसे किया, क्यों कहा, क्यों सोचा कि मैं इस फील्ड की तरफ आऊं? इतने ढेर सारे लोग अब फैशन कर रहे हैं, ब्लॉगर में आ गए। देखिए, मेरे नज़दीक सबसे पहले तो आपको वो काम करना चाहिए जो आपको खुद को पसंद है। तो ये काम मुझे खुद को पसंद, फैशन एज ए प्रोफेशनल बन जाए तो क्या ही बात, क्या ही बात। हाँ। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोई, आई डिडंट स्टार्ट एज ए फैशन ब्लॉगर, मैंने सिर्फ अपना एक
एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई सेंस ऑफ स्टाइल. आपका स्टाइल और है, इनका स्टाइल और है. सो आई जस्ट स्टार्टेड टू शेयर माई सेंस ऑफ स्टाइल और फिर वो लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और फिर अल्लाह पाक ने और इज्जत देनी शुरू कर दी. तो लेकिन मेरे नज़दीक आप जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है अगर आप उस काम को ही अपना प्रोफेशन भी बना लें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है. जो भी काम करें मजे लेकर काम करें. हाँ, ये नहीं बस काम करना है सर पे उसको नहीं सवाल करना. तो मजे लेकर काम करो. आप माशा कितने साल हो गए, कितने इयर्स? अभी तो 2 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट ब्लॉगिंग करते हुए. माशाल्लाह छा गई हर तरफ. आपको किसी भी इवेंट में जाएं आपको राहिला 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 नजर आएंगे. इतना अच्छा काम कर रही हैं. और जो और ब्लॉगर्स कभी वो आए कि टांगे खींचने वाले भी होते भी, अब राहिला आगे तो हम नहीं. शुरू में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हुई? ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई थी लेकिन डेफिनेटली लोगों को पहले पता नहीं था कि फैशन ब्लॉगर क्या होती है. Exactly. तो उन्होंने कुछ इतने कुछ ब्लॉगर्स होती हैं जो कि वीडियोस भी बनाती हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं मेकअप के. आई कैन नॉट एक्ट, तो मैं वीडियोस नहीं बना सकती. तो आप इसीलिए जस्ट ब्लॉगर? आई एम जस्ट ब्लॉगर. ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, ब्लॉगर भी है, ब्लॉगर भी है. अच्छा, इसको क्या समझें कि जो कितनी आसानियाँ हो चुकी हैं लोगों के लिए, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल होता था. कहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, लोग सामने नहीं आ पा रहे होते तो उनके पास वो वे नहीं होता था. जैसे आप जैसे ब्लॉगर्स आ गए, आपको आइडिया हो जाता है, आप उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट्स कर सकते हैं. तो कितनी आसानियाँ होगी लोगों को? आसानी तो देखिए बहुत हो गई है. जैसे आपने कुछ भी प्रमोट करना है, अगर आपका सलोन है, आपका कोई फूड है, कोई रेस्टोरेंट आपने खोला है, एग्जैक्टली, तो आप एक ब्लॉगर्स मीटअप कर लेते हैं. उसमें डिफरेंट 8-10 आप ब्लॉगर्स को बुलाते हैं तो एक ही वक्त में आप खुद सोचें उस जो भी आपका काम होगा उसको बहुत ज्यादा हाइप मिलती है. सो सब लोग देखते हैं कि यार अगर सभी एक चीज को प्रमोट करें तो लेट्स गो देयर, लेट्स सी व्हाट्स दैट. उसकी वजह से बहुत ज्यादा आसानी हो गई है लोगों के लिए, बिजनेस के लिए भी. तो सामने आना चीजें शुरू हो गई हैं. अच्छा, कहीं मुश्किल होती है एज अ ब्लॉगर्स बहुत सारी जगह इवेंट्स पे जाना? मुश्किल ऐसे लोग होते हैं, फंस जाते हैं. कभी ऐसा कुछ हुआ? मैं चाहूंगी थोड़ा बहुत होना चाहिए यार. हम बात की इंडस्ट्री की, हमारे पास आई हुई तो कुछ ना कुछ तो होता है, चटकारा तड़का तो होना चाहिए. नहीं होता तो है कुछ, मतलब कुछ लोग होते हैं आपको बुलाते हैं. आप अगर ड्यूटी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, बहुत सारे बड़े नाम है. बहुत नाम है जी, बहुत नाम है. हाँ ठीक है. तो वो आपको कुछ लोग बुलाते हैं, आप नहीं जा सकते तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं क्योंकि देखिए आप सिर्फ काम के पीछे लगकर अपनी फैमिली को भी तो नहीं छोड़ सकते हैं. यू हैव टू गिव टाइम टू फैमिली एज वेल. तो उस पे लोग थोड़ा सा माइंड करते हैं कि इनमें एटीट्यूड आ गया है और ये ऐसे हो गया और वैसे हो गया. बड़ा सियापा है सीरियसली. भी अपनी भी कोई जिंदगी है. बिल्कुल, बस आप हमारे नाम पब्लिक पब्लिक फिगर बन गए हैं तो ऐसे तो नहीं होता है. आपकी अपनी भी एक है. अच्छा, इस वजह से मैंने दोनों को बुलाया क्योंकि आप दोनों की ना सेम यही फील्ड है. आजकल सिंगर्स भी ब्लॉगर का बहुत ज्यादा कह रहे हैं. ब्लॉगर्स बिल्कुल जी, मैं वही इनके साथ एग्री करूंगा. ब्लॉगिंग जो है काफी इन हो चुकी है कल्चर. हर चीज का ट्रेंड आता है तो ब्लॉगिंग का ट्रेंड चल रहा है आजकल. अच्छी चीज है, इट्स अ गुड थिंग फॉर प्रमोशंस एंड एवरीथिंग. तो सही सीन है ब्लॉगिंग का. ब्लॉगिंग से बड़े चेहरे सामने आते हैं, बड़े इवेंट सामने आते हैं. अच्छा, मुझे थोड़ी इस गाने के बारे में मुंडा लॉर्ड हम ज्यादा इसको मुंडा लॉर्ड था वो पंजाबी वाली ना. अच्छा, आपका एक्सेंट टोटली चेंज पंजाबी तो थोड़ा कहीं फंसे? नहीं, एक्चुअली मेरा जो है बिजनेस इट्स मोस्टली इन पंजाबी. अच्छा, सिख लोगों के साथ काफी काम है मेरा. सो इवन पंजाबी इंडस्ट्री में मेजरली काम करता हूं. थोड़ी सी बात हो जाए, कितने नीट पंजाबी है हैं पंजाबी में. हां करिए शुरू. अभी मैंने सुनी थी आपकी है सियापा है, वहां से शुरू करें आप. हां बहुत ही बड़ा सियापा है. हां बड़ा बड़ा सियापा है. सियापा ही है आप जो कुछ भी हो ना का जो अंदर का है ना वो सामने होना चाहिए. एग्जैक्टली 100%. तो मुंडा लाहौर का हम बात कर रहे थे. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मुंडा लाहौर दा. व्हाट अ मुंडा लाहौर दा इज. सो उसमें सारी बातें जी, खाना पीना हैवी ना एवरीथिंग, जो कि एक लाहौर की जो एक चीज है, एसेंस है, जो वो गाने के अंदर मिलेगा. तो माशाल्लाह अभी फिलहाल आपको मैंने वही बताया, अभी भी ट्रेंडिंग में इनफैक्ट गाना सब जगह मुंडा लाहौर दा हुई भी है. हाँ. So, people are loving it. और किसी को सोच के ही गाना
लिखा या जब लाहौर में गए, लाहौर के लड़कों को देखा? लाहौर गया बिल्कुल एग्जैक्टली वो जिंदा दिलानापन देखा, जिन्हें लाहौर नहीं तक जमिया नहीं है। तो मैं, मेरी आदत ये है एज अ राइटर, मैं अपने आप को उस स्टोरी में पुट करता हूँ। हाँ। मैं होता तो मैं क्या करता, मैं क्या करता? तो मैंने वो सब चीजें खुद को उस सिचुएशन में पुट करके लिखी और वो लोगों ने रिलेट की सारी साथ। तो वो इतना सुपर डुपर हिट किया exactly, क्योंकि वो लोगों को एक्चुअल ये हम हैं। जब आपको वीडियो देखते हैं, जब आपको मूवी देखने जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कुछ जुड़ी हो तो आप खो जाते हो, फील करे तो आप खुद हैं उसमें। एग्जैक्टली मेरा गोल यही होता है कि मैं वैसा गाना बनाऊं जो कि यूथ अपने साथ रिलेट कर सके, क्योंकि मैं यूथ की जुबान हूं। आई एम स्पीकर फॉर यूथ, यूथ की बात करता हूं। और अरबाज का स्टाइल, स्टाइल बहुत जरूरी है जी। हम ऐसे फैशन ब्लॉगर भी बैठे हैं तो ये बेहतर बता पाएंगी। स्टाइल जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, जरूरी है। एक स्टाइल कैरी करके चलना पड़ता है, क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपको फिर एक सिग्नेचर स्टाइल बनाना पड़ता है जो कि पब्लिक फॉलो करे। अच्छा, कभी दिल नहीं भी जा रहा हो तो मैं आप दोनों से भी करूं पहले बात, कभी दिल नहीं भी जा रहा हो, कभी मन नहीं भी जा रहा हो, तो आप कहीं किसी कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं, यार बस ठीक है जैसा हूँ बस ठीक है, मन नहीं भी जा, फिर भी आपको करना पड़ता कभी? मेरे साथ ये होता है कि मन नहीं भी कर रहा होता आपका, मैं हमेशा लोग आपको वैसा देखना चाहते हैं, खुले दिल से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लोग एक्सपेक्ट करते हैं अरबाज खान फ्लैशी, अब हमारे सामने आएगा तो कैसा होगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए हमें उनके लिए करना पड़ता है। क्योंकि वो जो एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है ना, मेरा ऑडियंस के साथ वो है कि ऑडियंस यूथ बॉस है और मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, उन लोगों को अच्छे से अच्छी चीज प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ। कितनी प्यारी बात है, आई एम वर्किंग फॉर द पब्लिक। तो ये बहुत प्यारी बात है, कुछ होता है ना कि यार क्या आप एक ही स्टाइल में जा रहे हैं, सारा कुछ करेंगे मैं आपसे करूंगी, कभी नहीं भी यार मूड होता, कभी नहीं भी बस ना, कभी आप एक टाइम पे आके आप, लेकिन फिर भी आपने सारा कुछ करना होता है, करना होता है। लेकिन मेरे नज़दीक जब आपको एक काम पसंद होता है तो फिर उसको करने में मुझे नहीं लगता है कि बुरा लगता है। नो, कभी बड़े मज़े से रिलैक्स होकर कर रही होती है। अच्छा, सिर्फ इस्लामाबाद में कर रहे हो या कभी लाहौर एंड कराची? लाहौर एक दो इवेंट्स पर मैं गई हूँ, बट कराची अभी तक नहीं। तो क्या डिफरेंस है इस्लामाबाद में और लाहौर? लाहौर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाहौर की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। इस्लामाबाद हमारा पिंडी इस्लामाबाद बहुत छोटा है, छोटा सा है, यार सीरियसली सब टैलेंट आपके यहीं से मिलता है। लेकिन मुझे पर्सनली, ऑफ कोर्स आई लव इस्लामाबाद, तो लाहौर बहुत ज्यादा हैपनिंग है। काम करने का स्टाइल जब आपने वहाँ के काम, क्योंकि हर नेचर डिफरेंट होती है, चीज़ें डिफरेंट, थीम डिफरेंट, लोगों के आइडियाज़ डिफरेंट। हाँ, लाहौर में टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े क्रिएटिव लोग हैं और उनकी मार्केट डेफिनेट बड़ी है, बहुत हैपनिंग है। हमारे इस्लामाबाद में उसके 10% भी कुछ नहीं होता है, बट स्टिल आप जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो जगह आपको ज़्यादा पसंद होती है।